ओम शांति नमस्ते आप सब श्रोताओं को। आज आपका 173वें दिन का ईश्वरीय वरदान। इसके पहले कि हम इस वरदान में आगे पढ़ें, ये जो लिंक जो दिया गया है ये आप सब के लिए है जो कि योगासन फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहते हैं, ऑल राउंड अपने जीवन में होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, और नींद कैसे ठीक से करें, खाएं कैसे, सब कुछ, ताकि हमारी डाइट ठीक रहे और हम मोटापे में ना जाएं। ये सब कुछ ऊपर मेंशन किया है, इस पर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, जैसे कि एक पिता याद दिलाता है, बच्चे तुम तो बहुत ही पवित्र थे, तुम तो इस छोटे में बहुत ही सुंदर थे, अंदर से भी बाहर से भी। तुम्हारी बोल चाल, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारे बोलने का तरीका, चलने का तरीका, सब कुछ बहुत सुंदर था। ये क्या हो गया तुम्हें? अब तुम फिर से याद करो कि तुम वो थे, ताकि तुम वो फिर से बन पाओ, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें सहयोग देने के लिए। ऐसे ही कुछ परमपिता परमात्मा भी हमें याद दिलाते हैं कि वो भी हमारे साथ हैं, और हमें अपने पिछले जन्मों में हम क्या थे, कितने दिव्य थे, कितने गुणवान थे, कितने शक्तिशाली थे, और इस जन्म में हम क्या बन चुके हैं, क्योंकि हम भूल चुके हैं हम किसके बच्चे हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो देखें आज परमपिता परमात्मा हमें याद क्या दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कंबाइंड स्वरूप, कंबाइंड मींस परमात्मा से कंबाइंड, मैं आत्मा और मेरे पिता, हम दोनों कंबाइंड हैं। किसके लिए, किस कार्य के लिए? मुझे पवित्र बनाने के लिए। फिर से तो मेरे पिता मुझे फिर से रिमाइंड कर रहे हैं, फिर से मुझे आगे शक्तियां दे रहे हैं, ताकि मैं फिर से सही राह पर चल पाऊं। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन, क्या पोजीशन? तुम पवित्र जब बन पाओगे तब जाकर के तुम्हारे सर पे मैं ताज दूंगा, परमात्मा ने कहा है। ताज कहाँ का? हेवन में। हेवन मतलब स्वर्ग में, लक्ष्मी नारायण कहें, वहां पे राम सीता जाकर के आते हैं तो उनके ऊपर ताज दिखाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तुम वो थे एक जमाने में, कई हजार साल पहले, जब तुम देवी देवता इस धरती पर रहते थे, जब 33 करोड़ की पॉपुलेशन इस धरती पर भारत में थी, तब तुमने जन्म लिया था, और तुम बच्चे मेरे उस समय ताजधारी थे, सोने का ताज लगाते थे, लेकिन तुम दिव्य थे, तुम मनुष्य जैसे ही दिखते थे, लेकिन तुम्हारी काया भी बहुत सुंदर थी और तुम अंदर से भी सुंदर थे, आत्मा सुंदर तो काया भी सुंदर थी तुम्हारी। लेकिन अब क्या हुआ तुम्हें? याद करो उसको, वो पोजीशन को याद करो, तुम्हें फिर से वो बनना है। तो बाबा कहते हैं पोजीशन के नशे द्वारा, उस पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। तो कल्प कल्प मतलब कि जैसे ये साइकिल, ये ड्रामा साइकिल जो धरती पर चल रहा है खत्म होता है, फिर से हम पवित्र बनते हैं, फिर खत्म होता है, फिर से हम अपवित्र बनते हैं, फिर से हम पवित्र बनते हैं जब परमात्मा धरती पर आते हैं। तो ये ड्रामा चलता ही रहता है वैसे। तो कल्प कल्प हमने ये बाजी अपनी जीती थी। तो परमात्मा कहते हैं विस्तार में, मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा और मेरा बाबा मतलब पिता परमात्मा। आत्मा का पिता अलग है और हम शरीर के बाबा और आमा अलग बोलते हैं, माता पिता को अलग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा पिता? आत्मा का पिता। इस स्मृति में कंबाइंड रहो, कंबाइंड मतलब कि मैं अकेला नहीं हूँ। काफी सारे लोग बोलते हैं मेरे माता पिता नहीं है, मेरे कोई लोग बोलते हैं कि मेरा कोई सहयोगी नहीं, मेरा कोई साथी नहीं। परमात्मा कहते हैं सबसे बड़ा सहयोगी साथी तो परमपिता परमात्मा है, उनको अपना साथी सहयोगी बना दिया तो और सब भी आपका सहयोग करें, क्योंकि आपकी नेचर अच्छी हो जाएगी, आपके गुण अच्छे हो जाएंगे, आपको लोग पसंद करेंगे। अभी क्यों नहीं हो सकता है, कभी 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 हमारे अंदर अवगुण होते हैं जिस कारण से हम लोगों को और दूर कर देते हैं, जिसको कहते हैं रिपेल कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मेरे साथ कंबाइंड रहो, तब जाके तुम्हें लोग पसंद करेंगे, तुम्हें बहुत सुंदर समझेंगे, परमात्मा के बच्चे समझेंगे, और तुमसे डरेंगे नहीं, तब तुम्हारे पास आएंगे। फिर परमात्मा कहते हैं इस स्मृति में कंबाइंड रहो, तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। परमात्मा भी कहते हैं कि ब्रह्मा मेरा सबसे पहला बच्चा, ब्रह्मा मतलब एडम, मेरा सबसे पहला बच्चा, और ब्रह्मा के अनुसार चलना, सोचना, बोलना, करना, जो कि परमात्मा धरती पा करके हमें सिखाते हैं, तब जाकर के तुम ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मण मतलब कि ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा के अनुसार चलने वाले। एडम सबसे पहले है, हम कहते हैं ना एडम की ही पूर्वज, एडम पूर्वज हो गए हमारे, हम उनकी ही लीनियज में आने वाले हैं, हम उनके ही बच्चे हैं। किस प्रकार के बच्चे? शरीरधारी सिर्फ बच्चे नहीं, हम उनके क्या है, आत्मिक स्वरूप में उनके अनुसार चलने वाले बच्चे। तो परमात्मा ने एडम को कैसे बनाया था? गुणवान बनाया था, शक्तिशाली बनाया था, पवित्र बनाया था, ये सारी गुण थे उसके अंदर, एडम के अंदर। तो एडम कोई विकारी नहीं था, क्रोध करने वाला, अहंकार करने वाला, ईर्ष्या घृणा करने वाला आत्मा या व्यक्ति नहीं था। तो परमात्मा ने एडम को कैसे बनाया? अपनी नजरों से बनाया। तो एडम हो गए ब्रह्मा। अब ब्रह्मा के आचरण में चलना, उनके अनुसार चलना ही ब्राह्मण कहलाया जाता है। ब्राह्मण वो नहीं जिसने टीका लगा लिया, या जिसने अपना मुंडन कर लिया, चुप पीछे से बोधी रख ली, या जिसने जनेऊ पहन लिया, वो बाहर वाला दिखावे वाला ब्राह्मण नहीं, परमात्मा कहते हैं।
अंदर से पवित्र हो बाहर से भी पवित्र हो, वो वाला सच्चा ब्राह्मण जो कि ब्रह्म के आचरण में चले, सिर्फ पवित्रता रखे ये नहीं कि मैं काम वासना में नहीं जाता, मैंने ब्रह्मचर्य रखा है, सिर्फ वो ब्राह्मण नहीं हुआ। परमात्मा कहते हैं जिस आत्मा ने ब्रह्मा के आचरण में चलना सीखा है कि बाहर से तो पवित्र हैं दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से संकल्प अपवित्र चल रहे हैं, वो भी ब्राह्मण नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि आगे देखें, बाबा कहते हैं कि जब आप ब्राह्मण हैं तभी आप जाकर के देवता बन पाएंगे, जब आप प्योर बन पाएंगे इस जन्म में तब जाकर के आप परमधाम पहुंचेंगे। परमधाम प्योर आत्मा से ले जा सकती है, उसके बाद ही जाकर के जब नई दुनिया शुरू होगी इस धरती पर ही सत्युग शुरू होगा तब आप आकर के देवी देवता बनोगे, हाई पोजिशन में आओगे। परमात्मा कहते हैं हम सो सो हम का मंत्र सदा याद रहे, हम सो हम ही जो थे पहले सो हम बनेंगे, हम ही देवी देवता धर्म की आत्माएं थी कई हजार साल पहले, हम अभी अपवित्र बन गए, ताज भी गायब हो गया, शक्ल सूरत भी अपवित्र बन गई क्रोध अहंकार करते करते, और सीरत भी सोच भी हमारी अपवित्र बन गई। अब हम सो जो हम थे देवी देवता सो हम बनना ही है, बनने के लिए कंबाइंड कौन है, परमात्मा पिता हमारे साथ है। ये जब लक्ष्य रखेंगे तब नशा चढ़ेगा। किसी पिता ने अगर बच्चे को बताया कि तुम प्रिंस थे, तुम ये क्या बन चुके हो, तुम तो रंक बन चुके हो राजा से, तुम्हें फिर से प्रिंस बनना है और फिर राजा बनना है तुम्हें, तो उस बच्चे में कितना जोश आएगा कि अरे मेरे पिता मेरे को याद दिलाने कि मैं ये था, ये क्या कर लिया मैंने, ये क्या हालत बना ली मैंने अपनी, ये मैं कैसे सोच रखता हूँ रखती हूँ, ये कैसे बोल बोलता हूँ बोलती हूँ मैं, मेरे को तो रॉयल बनना है फिर से, मेरे को तो पवित्र बनना है फिर से। परमात्मा यही चाहते हैं कि हम भी पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण मीन्स हाइएस्ट ह्यूमन, सबसे उच्च मनुष्य जिसके अंदर गुण हो शक्तियाँ, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ मंत्र बोलने वाला ज्ञान वाला नहीं लेकिन बाहर से अहंकार दिखा रहा है, सिर्फ मंत्र याद है लेकिन बाहर से ईर्ष्या नफरत घृणा है धन का लोभ है, वो नहीं। परमात्मा कहते हैं मंत्र वो है जो कि अंदर से चलता है, अंदर स्वच्छता पवित्रता जिसके अंदर है, मुख से भी स्वच्छता पवित्रता निकले, सिर्फ मंत्र नहीं लेकिन मुख मीठा करे औरों का, मुख से बोल मीठे निकले, वो है सच्चा ब्राह्मण। तो परमात्मा कहते हैं पहले ब्राह्मण तो बनो तब जाके देवी देवता बन पाओगे। फर्स्ट पहले अच्छे ह्यूमन बीइंग एक ब्राह्मण बनो, एडम या आदम को फॉलो करने वाले। फिर परमात्मा कहते हैं हम सो सोहम का मंत्र सदा याद रहे तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। हम सो हम ही देवी देवता थे, फिर चक्र सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग पैदा होते होते शरीर बदलते बदलते परिवार बदलते बदलते हम थक गई आत्माएं अपवित्र बन गई। तो परमात्मा कहते हैं कि ये याद रखो कि आप कौन थे पहले, तो इस नशे से ये जब नशा रहेगा कि हम कौन थे क्या बन रहे हैं फिर से, इस नशे से परमात्मा पिता कहते हैं कि आपको पुरानी दुनिया भूल जाएगी। जैसे कि एक राजा जब अपने बच्चे को ढूंढता है कि अरे तुम कहाँ खो गए हो, तुम्हें कौन ले गया दूर, तुम्हें माया ले गई दूर, तुम्हें कमजोरियां ले गई दूर, तुम्हें गलत संगत दूर ले गई, तुम भूल गए तुम एक ताजधारी थे, तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारी प्रजा की सारी राजधानी की, तुम्हारे अंदर गुण होने चाहिए, ये तुम कैसे रह रहे हो, तुम अवगुण व्यक्तियों के साथ में कैसे रह रहे हो, जो अवगुण जिनके गुणहीन हैं व्यक्ति उनके साथ में रह करके तुमने अपनी हालत खराब कर ली। तो परमात्मा कहते हैं वो पुरानी दुनिया थी उसको भूलो अब तुम, कि तुम विकारी थे क्रोधी थे अहंकारी थे, तुम कौन थे ये जब याद करोगे तब नशा चढ़ेगा कि तुम्हें फिर से वही राजा के घर में वापस आना है, फिर से तुम्हें पैदा होना है राजा के घर में। तुम उस पुरानी दुनिया को गंदी दुनिया को छोड़ो, गंदी संगत को छोड़ो, गंदी सोच को छोड़ो और वापस आओ, अपने आप को रिफॉर्म करो, अपने आप को फिर से पवित्र बनाओ, एक राजा जैसे दिखना शुरू करो, सिर्फ बाहर से दिखावे वाले राजा नहीं अंदर से राजा। तो परमात्मा कहते हैं कि पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी जब आप याद करोगे कि हम कौन थे और परमात्मा में क्या बनाने आया है। भक्ति मार्ग में हम सोचते हैं कि हम परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा के ऊपर हम फल फूल दान करेंगे तो हमारे अंदर परमात्मा क्या कर देंगे, हमें सारी हमारी प्राप्तियां कर देंगे। हम ये इतना छोटी सोच रख के रखते हैं कि धन मिल जाएगा हमें, अच्छा बच्चा पैदा हो जाएगा घर में, या वर मिल जाएगा हमें। परमात्मा कहते हैं वो तुम्हारा काम करना ही है तुम्हें सब कुछ, लेकिन तुम्हें गुणवान बनना है, तो मुझसे तुम प्राप्ति क्या लेते हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो इसलिए तुम क्या सोचते हो कि धन मिलेगा मुझे, दौलत मिलेगी, शान मान मिलेगा। परमात्मा कहते हैं वो मेरा कार्य नहीं है, वो तुम अपने कर्मों अनुसार करते हो, लेकिन मेरा मूल कारण और आने का इस धरती पर यह है कि मैं तुम्हारे अंदर गुण भरता हूँ, तुम्हें पतित से पावन बनाता हूँ, तुम्हें फिर से प्योरीफाई करता हूँ ताकि तुम अपने कर्म ठीक कर पाओ और अपने आप ही तुम सारी प्राप्तियां कर पाओ इस दुनिया की। तो बाबा कहते हैं सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प की अधिकारी आत्मा है, खुमारी नशा रहेगा,
कि कल्प कल्प हमने ये प्राप्ति करी थी कि हम फिर से वो रंग से, वो विकारी से, हम फिर से परमात्मा के बच्चे बन राजा बने थे सत्युग में। परमात्मा कहते हैं हम ही थे, हम ही हैं और हम ही कल्प कल्प होंगे, हर कल्प में हम ही फिर से बनेंगे। हम पहले पवित्र थे, जन्म लेते लेते अनेक जन्मों में हम फिर अपवित्र बन गए, बोल चाल रहन सहन सब कुछ गंदा हो गया, हमारा खान पान भी गंदा हो गया हमारा। परमात्मा कहते हैं तुम ही थे, याद रखो तुम ही देवता थे, पवित्र थे, दिव्य आत्मा थे, फिर क्या बन गए, विकारी। अब फिर से तुमको ही बनना है और तुम हमेशा ही बनते रहते हो, तो फिर जब बनते ही रहते हैं तो फिर हमें डरना क्यों, हमें फिर अपने आप को पीछे पिछाड़ना क्यों, क्यों हमें डरना कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, चिंता में क्यों आना। परमात्मा जब कहते हैं हम बढ़ेंगे और बन के ही रहेंगे तो आगे बढ़ते चलें। तो आज का ये ईश्वरीय वरदान बहुत नशा चढ़ाने वाला, आपके अंदर खुशी और खुमारी बढ़ाने वाला। इसके साथ में आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें। ओम शांति।